आप कुछ लग रहा है कोई गुस्सा हुआ आपके शरीर में नहीं लगता है पीछे से कोई खड़ी है ऐसा लगता था किचन में रोटी बनाते हैं लगता है पीछे से कोई खड़ी आप देखो कोई खड़ा है आँख बंद करके चेक करो आगे पीछे कुछ? अभी बिल्कुल 18 साल की बन गई है 300 400 शुगर बहुत होता है बाबा हाँ अभी शुगर नकली थी कोई शुगर कुगर नहीं गुस्सा उतना आता है पूरा अब आ रहा देखो देख के गुस्सा किसी को खूब खुश रहिए प्रसन्न रहिए खूब स्वस्थ रहिए अब आप हो, ठीक हो? उठना बैठना मुश्किल काम हो रहा था बहुत दर्द रहता था। अब बैठिए जमीन में जरा हम दिखाएं आपको अब बैठिए खड़े होइए खड़े होइए हो अब आप बच्चों की तरह बन गई हैं। अब कोई कष्ट नहीं हो रहा था रात ही गायब हो गया तो था

सड़न सब पेट में हो गया था सब भयंकर सूजन सब नष्ट हो गया कोई कष्ट आपको बाकी नहीं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास कभी लगता था कोई है मेरे शरीर में जी। है जी। लगता था कोई घुसा हुआ है अंदर शरीर में अब लग रहा है कोई घुसा हुआ है सब होता है आप कुछ लग रहा है कोई घुसा हुआ आपके शरीर में नहीं लगता है पीछे <laughs> से कोई खड़ी है। ऐसा लगता था? किचन में रोटी बनाते हैं, लगता है ठीक है, कोई खड़ा है, है सब खत्म हो गया आपका ब्रेन अब ऑर्डर में है तो शरीर ऑर्डर में है सब अच्छा है खुश हो प्रसन्न रहो स्वस्थ रहो बच्चा मेरे है डीएम में हाँ हाँ ये, कितनों? दस, ये साथ कौन साथ है आपका है। आपका कौन बच्चा है? है लड़का बेटा है छोटा हाँ बेटा आप उसका है। फोटो देखिए तो हम बताए क्या है उसको ओ। ये घर में बिल्कुल रहना नहीं चाहता और बहुत क्रोधी है घर में रहने वाला इसका ब्रेन नहीं है और इसके टेस्टी इसमें स्वेलिंग हो गई और झगड़ा कराने वाला लफड़ा कराने ली स्मृति बहुत है इसके अंदर झगड़ा लड़ाई पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई किनारे है बंधी हुई और हत्या आत्महत्या के विचार बहुत आते हैं इसको सोसाइडियल थॉट्स आते हैं ठीक है और जैसे पागल नहीं बन जाए पागल कभी 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 लगता पागलपन जैसी हरकतें करना वो भी करते हैं इसकी स्पाइन इस में भी कष्ट आ गए हैं बच्चे के इसके रीढ़ की हड्डी में कष्ट रहते हैं बताता है कभी अरे इंजीनियरिंग छोड़िए हम जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं उसकी करिए तो हाँ ठीक है हाँ नहीं उसकी स्पाइन में भी गलन हो रही है रीढ़ की हड्डी गल रही थी उसकी और अपच भोजन करने के बाद अपच होता है उसको भोजन नहीं पचता उसको नहीं पचता है हाँ तमाम कष्ट रहता है आटोम डिजीज है उसका बॉडी खुद खाता है रक्त उसका रक्त दूषित हो रहा है बॉडी में ये माइग्रेन भी है उसको सर दर्द होता है भयंकर अब नहीं होगा आज से नष्ट हो गया और कभी कभी उसको लगता है साधु हो जाए हम सन्यासी ये भी लगता उसको। जाएं। है उसको भाग जाए तो में, में आत्महत्या के विचार आना सिर में चोटों की स्मृतियां है अर्ध बेहोशी में रहना पैनिक अटैक आना एसिडिटी बनना और लिवर में सड़ना पैर का उंगली सुन रहता है उसका कुछ और वहाँ भी उसके दर्द कष्ट है पैर में अभी वो सब नष्ट हो गया जो जो हमने बोला है ये सब नष्ट हो चुका है उसका अब उसमें कुछ नहीं जैसे आप यहाँ खड़े हैं अच्छे वैसे वो घर में अच्छा बाबा है।, मेरे जो है ना चार दिन से बहुत खराब है, है। कहा है? हैं पटना में रहते हैं हाँ, पटना आप पटना से आए हैं बहुत अच्छा स्थान है पटना अपने पति देव को आँख बंद करके देखिए इनकी किडनी फेल हो रही दोनों दोनों किडनी इनकी जा रही हैं डैमेज हैं बुरी तरह से और मृत्यु का भय बना हुआ है उनको उनको लगता है मर ना जाएं ये वाला भाव आ गया जल्दी मर जाएंगे ये भाव आ गया था। और एक्सीडेंटल स्मृतियां हैं आपको पता नहीं किडनी उनकी डैमेज हो रही जी नहीं पता नहीं था। पता करिए उनका दोनों किडनी जा रहा है उनको यूरिन की प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है स्वेलिंग आ रही है पैर, पैरों में और फोर्स लगाते हैं जी। और यूरिन होता है उनका वापस हाँ, होता।, थर थरापन होता है होता है शरीर पूरा रहते हैं हाँ पैर कमजोर हो गए उनके पैर हाँ। गिराने वाली स्मृतियां हैं समझ गए उनके उनके, उनके किर्पार पैर किर्पार के तलुओं में नीचे चलते हैं तो पूरा जमीन नहीं महसूस करते हैं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं संकल्प करा दीजिएगा उनको क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति अभी उनका साथ-साथ ही फूलता है ठीक है कैंसर भी उनका स्मृति है कई जगह प्रणाम गुरु जी खुश हो बेटा कैसे हो हीरो बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया अब कोई कैश तो नहीं गुरु जी हमको ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है आप देखो सुनो वही आवाज पूरा इंडिया हाँ ये भी प्लेस है सुनो कोई आवाज अब आ रहा है तो नहीं आ रहा <laughs> इसीलिए कहते हैं ये जो स्मृतियां हैं ना आदमी जान ले लेती है ये ब्रेन बहुत बेवकूफ बनाता है खुद का ब्रेन खुद को बेवकूफ बनाता है कोई कुछ नहीं ना कोई आवाज है ना कोई ढोल बज रहा है तुम अच्छे हो सदा अच्छे रहोगे पहले ऐसे थे तुम अपना चित्र देख लो यहां आने के पहले ऐसे थे शरीर में जलन होती थी और एकांत में रहने का मन करता था जैसे साधु सन्यासी बन जाए शमशान अमसान जैसा बड़ा अच्छा लगता था आ, आ, हाँ इस टाइप जगह ज्यादा अच्छी लगती थी अब मेरा मैंने बोला तो जलाने वाली जलन होती थी बोला तो मैंने आपको अब नहीं है अब लग रहा है जलन हो रही है हार्ट में अब लग रहा है कोई जलन अभी तो नहीं है हाँ वो जलन वाले गए जिनको जलन होती थी और बताइए कोई कष्ट बचा हो तो बताइए उसकी कारण ही ज़्यादा अब सब खत्म कुछ नहीं बचा है? ये बताए नहीं ये सब आपके रोग कष्ट थे जो नष्ट हो गए पढ़ लीजिए सुन लीजिए हाँ कैप्टन सर किडनी में इन्फेक्शन कभी कभी अत्यधिक गुस्सा आना यूरेटर में सूजन गॉल ब्लैडर में सड़न पैन क्रियाज डैमेज हो रहा था पेट में जलन होना नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी रेक्टम में सूजन शमशान में रहने की, की स्मृतियां थी आंखों में धुंधलापन ब्रेन में ट्यूमर ब्लड में इन्फेक्शन विरक्ति के भाव आना इन इन अकेले रहने की स्मृतियाँ थी कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में रेक्टम में गले में पैन में और हड्डियों में कूल्हे में दर्द होना गंदे स्पंदन होना और गंदे विचार आना कुछ बचा अम्मा अपनी अपनी बात करने दो प्लीज आप वकालत नहीं करो वो खुद ही वकील है, दिन पहले है मतलब कुछ दिन नहीं मतलब वर्तमान में आओ मतलब आप कोई मतलब कष्ट बचा अभी तो नहीं है कुछ बचा जो भी होते थे कुछ बचे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कुछ भी मानसिक से तो बहुत ज्यादा बताइए कुछ बचा मानसिक अभी तो नहीं है खुश रहो प्रसन्न रहो मस्त रहो एक महावन की स्लिप मिलेगी अभी आपको तो असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए वो आपको करना है बेटा ठीक है आपको करना है खुश रहिए। बेटा। हाँ, बेटा, महावन में किनको मम्मी पापा रहेंगे दो लोग जी। और एक लोग आप या भाई रह सकते हैं आप स्वयं हाँ आप, आपको ज्यादा कष्ट है आप मम्मी पापा खुश हो